भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से अगले महीने जून में सातवीं आर्थिक गणना का कार्य शुरू किया जा रहा है। शुरुआत किस तिथि से होगी ये भी जल्द तय होगा। हिमाचल में इस कार्य का जिम्मा आर्थिकी एवं सांख्यिकी विश्लेषण विभाग को दिया गया है। खास बात है कि इस बार की गणना मैनुअल न करके डिजिटल तरीके से की जाएगी और ये कार्य जिलों में चल रहे कॉमन सर्विस सेंटर के सुपरवाइजरों की देखरेख में पढ़े लिखे रोजगार युवाओं की टीम द्वारा घर घर जाकर सर्वे पूरा किया जाएगा। इसे लेकर आज जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन बीडीओ भवन में किया गया, जिसमें सांख्यिकी एवं योजना विभाग के प्रदेश व जिला स्तर के अधिकारियों के साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटरों के जिला प्रबंधक व जिला समन्वयकों को आमंत्रित किया गया था। कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक लक्की पुरी और रोहित खत्री ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक गणना का कार्य कैसे किया जाना है, इस बारे में कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आर्थिक गणना का कार्य पहली बार कागजी तौर पर न करके इसे डिजिटल तरीके से किया जाएगा, जिसमें समय की भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि सर्वे टीम दिन भर परिवारों के पास जाकर आर्थिक गणना का डाटा एकत्रित करेगी और शाम के समय उसे सीएमसी के सुपरवाइजर को सौंपेगी। आर्थिक गणना के कार्य को समुचित रूप से संपन्न करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक मोहिंदर सिंह चंदेल ने जिला के सभी परिवारों से अपील की है कि वे आर्थिक गणकों को सही जानकारी दें ताकि एक मुकम्मल सर्वे किया जा सके, क्योंकि उसी के आधार पर भारत सरकार लोगों के लिए नीतियां एवं कल्याणकारी योजनाएं बना सकेगी। हमीरपुर में गर्मी अपने चरम पर है और पारा 40 तक पहुंचने पर लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर बन रहा है। सुबह के समय ही तेज धूप होने के चलते लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिस कारण बाजारों से रौनक गायब हो गई है। दोपहर तक तो बाजार सुनसान पड़ रहे हैं, वहीं भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में जाने वाले नौनिहालों की भी चिंता अभिभावकों को सता रही है, क्योंकि अभी तक स्कूल टाइमिंग में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। गर्मी के चलते लोग अपने गलों को तर करने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेने के लिए मजबूर हुए हैं, जिससे ठंडे पेय पदार्थों की दुकानों पर खासी भीड़ देखी जा रही है। हमीरपुर बाजार में गर्मी से बचने के लिए युवतियां छाता लेकर आवाजाही कर रही हैं, तो कई महिलाएं मुंह को दुपट्टे से ढककर बाजार में पहुंच रही हैं ताकि भीषण गर्मी से बचा जा सके। गांधी चौक पर सब्जी विक्रेता का कहना है कि कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, जिस कारण सब्जी का काम भी ठप पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि सब्जी दूसरे दिन के लिए खराब हो रही है, जिससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत बुरा हाल है, दो तीन दिन से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो क्या एक दिन ला रहे हैं सब्जी, दूसरे दिन टिक रही है, नहीं टिक रही है? नहीं टिक रही है, बहुत बुरा हाल है। पहले उतनी ऐसी गर्मी नहीं होती, पहले ज्यादा बहुत बुरा है। स्थानीय निवासी दिनेश कमर ने बताया कि हमीरपुर में तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इस तापमान में लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि तापमान के बढ़ने से लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने मांग की कि स्कूल टाइमिंग में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश कराटे एसोसिएशन के महासचिव जनकराज जम्बाल ने बताया कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन 30 और 31 मई को सब जूनियर कराटे चैंपियनशिप कराई जाएगी, जिसमें 8 से 13 साल की आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की कराटे प्रतियोगिता के लिए होगा, जो कि 10 से 13 जून के मध्य दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। जम्बाल ने बताया कि 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के कोच एवं कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हंसीवर्ष शर्मा भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस सेमिनार के दौरान रेफरी जज की परीक्षा भी करवाई जाएगी, जिसके लिए भारत शर्मा द्वारा सेमिनार में प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला बिलासपुर के साथ सटी जिला सोलन की ग्राम पंचायत कयार कनैत के
कोहूबन वृत्त में जामली जयनगर शिमला मार्ग पर लोहार घाट के नजदीक चीड़ के घने जंगल में आग लग गई। दोपहर से ही रात भर जंगल में भीषण आग बढ़ती चली गई, जिस कारण चीड़ के वनस्पतियां जलकर राख हो गई। वन विभाग अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों व स्थानीय ग्रामीणों ने आग पर काबू करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। राजपाल वर्मा ने बताया कि वन में आग लगने से जंगल में भारी नुकसान हुआ है। तेज हवाओं के चलते रात को आग पर काबू नहीं पाया गया। अब सुबह ही पता चल पाएगा कि जंगल में कितना नुकसान हुआ है और आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुबह तक आग पर काबू कर लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जंगल में सिगरेट या बीड़ी जलती हुई ना फेंके, जिससे जंगल को जलने से बचाया जा सके।